नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। वोडाफोन आइडिया के शेयर की बात की जाए तो कल इस कंपनी का FPO जो ओपन है वो बंद हो जाएगा। कल आखिरी दिन है इन्वेस्टर्स के लिए, अगर FPO में पैसा लगाना चाहते हैं तो कल ही लगा सकते हैं। FPO की जानकारी तो ऑलरेडी आपके साथ होगी ही, आपके पास होगी। यहाँ पे मैं क्लियर एक चीज बताना चाहूंगा, FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अगर आप FPO में पैसा लगा रहे हैं तो होता क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें एक लॉट मिल जाए, इसके लिए हम दो लॉट में अप्लाई कर देते हैं। दो की बिड लगाएंगे तो एक तो मिलेगा ही, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको एक लॉट ही लगाना है तो एक ही लॉट की बिड लगाइएगा। अगर दो चाहिए तो दो की लगाइएगा, नहीं चाहिए तो मत लगाओ। क्योंकि जितने लॉट आप अप्लाई करोगे 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसको भी मैं बताऊंगा, और उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो पैसा लगाएं या ना लगाएं पे आते हैं। 10 से 11 रुपए का प्राइस बैंड है वोडाफोन आइडिया के FPO का, और शेयर का प्राइस 12.90 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 18,000 करोड़ का ये FPO है, जो कि आज तक का सबसे बड़ा FPO है। इस कंपनी के ऊपर मैंने कल भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जहां आप सभी के साथ सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं कि आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो कितना लगाना चाहिए और कितना नहीं लगाना चाहिए। यहां भी मैं क्लियर एक ही चीज बोलूंगा, पहले आपने डिसाइड करना है लगाना है या नहीं लगाना है, और लगाना है तो कितना लगाना है। मेरे हिसाब से अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि लगाना है तो केवल उतना ही लगाना चाहिए जितने पैसे को आप खोता हुआ देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है खोगा, क्योंकि वो पैसा आपका बहुत बड़ा पैसा भी बन सकता है, लेकिन वो पैसा आपका आधा भी रह सकता है। क्यों आधा रह सकता है? देखो, इसके पीछे दो कारण हैं। ये मल्टीबैगर क्यों बन सकता है पहले इसे समझते हैं। क्योंकि कंपटीशन बोर्ड ऑफ इंडिया वोडाफोन आइडिया के शेयर को खत्म नहीं होने देगा, शेयर इन द मीन कंपनी को। क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया खत्म हो गया तो मार्केट में रह जाएंगी दो टेलीकॉम कंपनियां, जियो और एयरटेल। और 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर दो टेलीकॉम कंपनियां होंगी तो ये कभी पूर डाल ही नहीं पाएंगी। इसलिए दो तीन प्लेयर और होने चाहिए। इनफैक्ट अभी इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ नया प्लेयर भी कोई पैदा कर दिया जाए ना, अगर पैसा हो तो वो भी अच्छा खासा गेन कर सकता है। बट वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी खड़ा है मार्केट में, 19% का मार्केट शेयर है। ऐसा नहीं है वोडाफोन आइडिया का कुछ मार्केट शेयर नहीं है, 19% अभी भी है। जरूरत है तो सर्विस अच्छी करने की और कस्टमर्स को और ज्यादा जोड़ने की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वहीं अगर कोई नया बंदा आएगा मार्केट में तो उसका बहुत पैसा लगेगा, धीरे धीरे दोबारा से गेन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि यही खत्म ना हो, ठीक है। और जब कोई चीज खत्म नहीं होगी तो डेफिनेटली आने वाले समय में ऊपर आ सकती है, क्योंकि दिक्कत तो पैसे की है और पैसा आता ही रहता है कहीं ना कहीं शेयर बाजार में आप हो तो ये तो एक कारण हो गया कि आप चाहो तो लगा सकते हो। लेकिन क्यों लिमिटेड लगाना है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वोडाफोन आइडिया जो डेट ड्रिवन है। बेशक कर्ज कम कर लेंगे, बेशक सर्विस अच्छी करेंगे, पैसा लोगों से उठा लेंगे, लेकिन कॉम्पीट किससे करना है? जियो से, एयरटेल से, जो अपना दबदबा बहुत हैवीली बना बैठे हैं। जहां वोडाफोन आइडिया अभी तक 4G पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहा है, वहां ये सारे 5G कंप्लीट करके 6G की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो बहुत हैवी कंपटीशन है, इतना आसान नहीं होगा, इसलिए लिमिटेड ही लगाएं। ये मेरी तरफ से राय हो गई। अब आता है सवाल कि FPO में या फिर डायरेक्ट मार्केट से। तो FPO पे पहले आ जाता हूं। कंपनी का FPO कल आपके लिए क्लोज हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों कहा कि आप अगर लगाओगे तो ये मान के चलना कि आपको मिल ही मिल जाएगा। आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 14 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी 1,99,892 रुपीज, क्योंकि उसके बाद हो जाएगा 2 लाख के ऊपर। और आपको पता ही होगा रिटेल कैटेगरी मैक्सिमम 2 लाख से नीचे रखती है। रिटेल कैटेगरी में ज्यादा सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट आने के चांसेस होते हैं। एक लॉट में अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होंगे 14,278 रुपए, जिसके शेयर्स मिलेंगे 1,298। तो ये हो गया आपके लिए पूरा का पूरा। इसमें QIB पोर्शन देखें, QIB और या NII या HNI कैटेगरी कह लीजिए। रिटेल को सबसे ज्यादा अलॉटमेंट दिया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा ऑफर जो है वो रिटेल के लिए है, और सबसे कम जो है वो आपके लिए जो एंकर बुक है, एंकर, उसके बाद QIB और NII। NII QIB ऑलमोस्ट आपके फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन रिटेल कैटेगरी केवल 13-14% ही भरा है अभी। तो बहुत बड़ा लॉट पड़ा है यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए। तो आप ये समझ लो,
आप एक लॉट लगा रहे हो तो भी मिलेगा, दो लगा रहे हो तो भी मिलेगा, चार लगा रहे हो तो भी मिलेगा। और मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा लॉट में अप्लाई करना चाहिए, इतनी रिस्क क्यों लेनी। अप्लाई कीजिए, छोटा अमाउंट अपने पास रखिए और बाकी छोड़ दीजिए। मान के चलो आपको 11 रुपए में 14,278 का अप्लाई मारा, मार्केट में शेयर उतरते ही आपके अलॉटमेंट मिलते ही बेच दो सारा, नहीं जितने आपने रिस्क लेनी है। मान के चलो मेरे को 5,000 की लेनी है तो मैं 9,000 रुपए अपने विड्रॉ मार दूंगा शेयर से, भाव कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी 11 रुपए में ज्यादा कुछ खोने के लिए भी नहीं है इस शेयर में, तो आप छोटा मोटा पैसा लगा के छोड़ सकते हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी डिटेल्स थी, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।